स्वागत है दोस्तों आपका स्टॉक बिजनेस में। जैसे कि हमने कल के वीडियो में बताया था कि जो निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल है 17,800 का, ये निफ्टी 17,800 के लेवल को इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। और आज आप देख सकते हैं एक्सपायरी के दिन निफ्टी ने 17,800 के लेवल को सपोर्ट दिया और यहाँ से निफ्टी में एक जो बुलबैक देखने को मिला है इसमें 60 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी हमको इस समय बनती हुई नजर आई है। इसके साथ ही हमने बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस किया था और ये बताया था कि बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल है 42,000 का, यह लेवल इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा और यहाँ से हमको इसमें एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी ने जैसे 42,000 के लेवल को होल्ड करना चालू किया तो यहाँ से बैंक निफ्टी में हमको तेज़ी बनते हुए नज़र आ रही है। तो इसके जो ऑप्शन है इसमें भी हमें अच्छा खासा मूवमेंट इस समय देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन कर सकते हैं और एक्सपायरी में क्या लेवल रह सकते हैं। साथ ही अब जो बात आती है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की, कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से महत्वपूर्ण लेवल रह सकते हैं, किन लेवल पर हमको ध्यान रखना चाहिए, इन सारी बातों का हम एनालिसिस आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप स्किप ना कीजिए, वीडियो में आप आखिर तक बने रहिए ताकि आपको हर एक स्टेप क्लियर हो सके कि आने वाले समय में निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल क्या रह सकते हैं, फ्राइडे के दिन हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस प्रकार से हम लेवल का एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली हमको एंजल वन के डिस्कवर ऑप्शन पे आना होता है। डिस्कवर ऑप्शन पे आने के बाद हमें यहाँ पे इंस्टा ट्रेड की ट्रेडिंग विंडो पे आना होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इंस्टा ट्रेड और यहाँ पे ट्रेड नाउ का बटन है, तो हम ट्रेड नाउ के बटन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने निफ्टी का बाय डिफॉल्ट चार्ट हो जाता है। यहाँ पर जो विंडो ये ओपन हुई है, ये इंस्टा ट्रेड की ट्रेडिंग विंडो ओपन हुई है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहीं पे हमको एनालिसिस करना है, निफ्टी का चार्ट हम यहीं से एनालिसिस कर सकते हैं, साथ ही बैंक निफ्टी का चार्ट भी हम यहीं पे सेम विंडो पे एनालिसिस कर सकते हैं। तो निफ्टी के लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो निफ्टी का जो हमने चार्ट लगाया हुआ है इसको हम सिंपल चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि डेटा अच्छे से क्लियर हमारे सामने आ जाए और हमें देखने को मिले। तो हम यहाँ पर निफ्टी का सिंपल चार्ट हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल हम जो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, ये क्या रहने वाला है। तो हमारे सामने सबसे पहले जो 1 मिनट का चार्ट है इसको हम कर देंगे, यहाँ पे 1 डे का चार्ट कर देंगे। 1 डे का चार्ट करने का सेंस ये है कि हमारे पास जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो कैंडल्स ने सपोर्ट लिया है वो हमको यहाँ देखने को मिल जाता है कि किस लेवल पे यहाँ पे निफ्टी में कैंडल सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रही है। तो यहाँ पे हर एक कैंडल जो बनी हुई है ये 1 डे की कैंडल बनी हुई है और यहाँ पे हर एक कैंडल 1 डे की है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ जो एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है निफ्टी का, एक 17,800 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था वहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट किया। लेकिन जो एक और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिला है जो है 17,750 का, ये लेवल किसके आसपास से निफ्टी यहाँ से हमेशा ही घूमते हुए नज़र आ रहा है। तो जो पिछली जो कैंडल आपको, ये 2 कैंडल आपको देखने को मिल रही है, तो जो इसका लो पॉइंट है अभी, इसका लो पॉइंट जो है निफ्टी का एक सपोर्ट का काम कर रहा है और निफ्टी यहीं से हमको अपसाइड में मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में जो बात हुई थी तो हमने बताया था कि निफ्टी अगर 18,000 के लेवल पर हमको देखने को मिलता है तो यहाँ से हमको इसके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और सेम वैसा ही हुआ। निफ्टी 17,925-30 के लेवल पे आज गया लेकिन 18,000 के लेवल तक ये नहीं पहुंच पाया, वहीं से हमको इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल क्या रह सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको आना होता है यहाँ पर जो इंस्टा ट्रेड का टूल ऑप्शन है, इस पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ओपन हो जाती है, तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल रे को यहाँ से लगाएंगे, तो इसको हम सिंपली क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद हमारा जो पॉइंटर है इसको हम इस कैंडल के लो पॉइंट के ऊपर लेके आएंगे, उसको यहाँ पर फ्लॉट कर देंगे। तो जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि हमने यहाँ पर जो पॉइंटर को लेके आया है उसको हम यहाँ पर ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे उसे। इसको थोड़ा हम डार्क ले लेते हैं ताकि आपको कलर थोड़ा डार्क अच्छा गाढ़ा देखने को मिले। तो हमारे सामने यहाँ पे
हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो चुकी है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने का मेन उद्देश्य ये है कि हमें पता चल जाता है कि निफ्टी बैंक ये हमें पता चल जाता है कि निफ्टी का सपोर्ट क्या है, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट से जाके निफ्टी हमेशा ही एक सपोर्ट लेता है और यहाँ से ऊपर आता है। सेम आज भी देखने को मिला कि इस लाइन का निफ्टी ने सपोर्ट लिया और यहीं से अपसाइड देखने को मिला। अब कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करते हैं तो निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है यही हमको देखने को मिलता है, क्योंकि यहीं से निफ्टी सपोर्ट लेता है, यानी कि 17,664 का एक पॉइंट है, ये निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से निफ्टी हमको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो हम यहीं पे सिंपली आ जाएंगे और यहां से हम हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे। आपको यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन रे देखने को मिल रही है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो इसका हाई पॉइंट है, जैसे कि हम इसको लगा लेते हैं कि काफ़ी टाइम पे जिस पॉइंट पे निफ्टी ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है, रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की है, तो उस पॉइंट को हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये पॉइंट को हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। तो इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल रे को ले लेंगे और इसको हम थोड़ा डार्क कर लेंगे और डार्क करने के बाद इस पॉइंट को हम यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे। ये जो हाई पॉइंट है इसको क्लिक कर देंगे। ये हाई पॉइंट लगाने का हमारा कारण क्या है कि हमने यहाँ पे जो पॉइंट आइडेंटिफाई किया है, इस कैंडल का हाई पॉइंट और इस कैंडल का लो पॉइंट, ये लो पॉइंट दो पॉइंट को हमने आइडेंटिफाई किया और उसके आधार पे हमने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की है। तो यानी कि जो निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो ये बनता है कि 17,760 का निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 17,964 या 18,000 का जो लेवल है निफ्टी का अहम लेवल होने वाले हैं। तो इन लेवल की के ऊपर हम ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे हमको निफ्टी के लेवल देखने को मिलते हैं। ये अगर हमारे प्रेडिक्शन के आधार पे जो बात कही थी उसके आधार पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो निफ्टी का जो पुट हम ने प्रेडिक्ट किया था ऑप्शन चेन पे, हम जाते हैं अगर सिंपली आपको कोई भी ऑप्शन पे को बाय करना है तो जैसे हम 18,000 के पुट की बात कर लेते हैं कि 18,000 का पुट ऑप्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं तो ये किस पॉइंट पर खुला था, किसने जो हाई लगाया। आज की अगर हम बात करें यहाँ पे तो आज के दिन में आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो लो पॉइंट है ये है 77 का, इसका लो पॉइंट है, और जो हाई पॉइंट है ये 240 का हाई पॉइंट है। तो इस प्रकार से शानदार इसका रिटर्न लिया। इसको बाय करने के लिए सिंपली यहाँ बाय बटन पे जैसे प्रेस किया होता और यहाँ पे एक लॉट मेंशन करते हैं और इसकी क्वांटिटी अगर हम मान लो कि एक लॉट में 50 क्वांटिटी आती है, इसका प्राइस अगर हम 80 मान के चले तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट लगता, ये इन्वेस्टमेंट लगता है यहाँ पे 4,000 का, और ये हो गया है अगर हम ज़्यादा ना ही लेके इसको 200 का ही लेते हैं तो जो 4,000 का इन्वेस्टमेंट था ये 10,000 का हमको यहाँ देखने को मिलता है। एक बार पोजीशन बनने के बाद इसका प्रॉफिट एंड लॉस हमको सेम विंडो पर देखने को मिलता है। सिंपली हम यहीं से अपना ऑर्डर का को एग्जिट करने के लिए यहाँ से एग्जिट बटन, जो सेल बटन है, इसका यूज़ करके हम अपनी पोजीशन को यहाँ से बेच भी सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इंस्टा ट्रेड का यूज़ करके हम सिंपली यहाँ से किसी भी ऑप्शन में ट्रेडिंग इजीली कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे सिंपली बैंक निफ्टी के बटन को क्लिक करना होता है। जैसे हम बैंक निफ्टी को क्लिक करते हैं तो इंस्टा ट्रेड पे हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो जाता है। बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल हमने आइडेंटिफाई किया था वो आपको देखने को मिल रहा है कि जो इसका 42,000 का इंपॉर्टेंट लेवल था, यहीं से बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है और इसी को एक रेजिस्टेंस बना रहा है। तो यहाँ पे जो कल के ट्रेडिंग सेशन में जो बात किया था हमने कि जो बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल है 41,700, यहाँ तक के बैंक निफ्टी हमको स्लिप होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन इसके बाद से बैंक निफ्टी में हमको 42,000 तक की अपसाइड हमको देखने को मिल सकती है। अब बात आती है कि फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी में किस प्रकार से मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों जो 42,000 का जो लेवल है ये तो बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। तो बैंक निफ्टी जब तक कि 42,000 के ऊपर है तब हम बैंक निफ्टी में एक अपसाइड का मूव देख सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी जैसे 42,000 के लेवल को नीचे की ओर हिट करता है तो हमको बैंक निफ्टी में वापस हमको 41,800 से लेकर 41,700 के लेवल हमको दोबारा रिटेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 42,000 के लेवल को होल्ड कर लेता है तो हमको बैंक निफ्टी में 42,500 के लेवल, यानी कि ये जो कैंडल है इस कैंडल का हाई पॉइंट हमको यहाँ देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से हम बैंक निफ्टी के लेवल को भी हम यहाँ देख सकते हैं। सिंपली अगर हमको ऑप्शन में काम करना है तो ऑप्शन में काम करने के लिए यहीं से हम ऑप्शन चेन का यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन चेन का यूज़ करने के बाद हम यहाँ से अगर बैंक निफ्टी का 41,500 का कॉल ऑप्शन को अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें क्या देखने को मिलता है। कॉल ऑप्शन देखने के लिए हमें यहाँ पर मोर ऑप्शन पर क्लिक करना होता है और इसके बाद यहाँ पर 41,000
500 का जो कॉल ऑप्शन है इसको सिंपली हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो डेटा निकल के आता है, हम यहाँ पे अगर चार्ट को 5 मिनट का कर लेते हैं तो हमारे सामने अच्छा खासा चार्ट यहाँ पे लगता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि बैंक निफ्टी का जो 41,500 का जो कॉल था आज के ट्रेडिंग सेशन में, इसने जो आज लो बनाया था ये यहाँ पे बनता हुआ नज़र आता है। अगर हम इसको देखें कि इसका एक्चुअल प्राइस यहाँ पे समझ में आ जाएगा, तो ये था 338 का, इसका कहीं ना कहीं इसमें 300 रुपये का इसने लो बनाया था। 300 का लो बनाने के बाद यहाँ देखिए तो इसने 580 का यह हाई बनाया है, 580 का 625 का इसने हाई बनाया है, यानी कि इसने कैपिटल को यहाँ पे लगभग जो ऑप्शन का प्रीमियम था उसको डबल कर दिया है। तो इस प्रकार से हम निफ्टी का और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर सकते हैं। ऑर्डर लगाने के लिए सिंपली बाय बटन पे यहीं से प्लेस किया जाता है। एक ऑर्डर बाय करना है, एक लॉट बाय करना है, तो सिंपली यहाँ पे एक क्वांटिटी हमको मेंशन करना होता है और एक क्वांटिटी में आती है 25, एक लॉट में आती है 25 क्वांटिटी। और जो इसका प्राइस था, अगर हम 300 के प्राइस पर हम देखें इसको, तो इसमें 7,500 का एक इन्वेस्टमेंट लगता और इसकी जो वैल्यू हो गई इस समय जो चल रही है 580 की, अगर हम देखें तो ये हो गया 14,500 का। तो इतना ही आसान होता है इंस्टा ट्रेड पे ट्रेडिंग करना और ऑप्शन को प्रेडिक्ट करना। ऑप्शन को हम इसी प्रकार से प्रेडिक्ट करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने के लिए हम यहाँ से ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को लगा के हम यहाँ से सपोर्ट लगा सकते हैं। लो पॉइंट को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो इसको डार्क कर देते हैं और इसका कलर जो है इसको ग्रीन कर देते हैं, तो हमारे सामने एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन भी ड्रा हो जाता है। जैसे कि हम दोबारा इसको लगा देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमारे सामने एक सपोर्ट की लाइन लग जाती है। रेजिस्टेंस की लाइन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको वापस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आना होता है। इसको थोड़ा डार्क करने के लिए कलर चेंज कर सकते हैं और इतना करने के बाद हम यहाँ पर जो इसका हाई पॉइंट है अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो लगाया हुआ है जो पिछली कैंडल्स है, पिछले कैंडल के डेटा के को भी हमको देखना पड़ता है कि यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया था, तो ये वाला जो लेवल है अब इसका रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इतना आसान होता है एंजल वन पे किसी भी ऑप्शन को प्रेडिक्ट कर पाना। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही एजुकेशन जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों यहाँ जानकारी सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए है, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को स्टॉक में या ऑप्शन में बाय एंड सेल करने की एडवाइस नहीं है। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो स्टॉक विज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और स्टॉक विज की स्ट्रेटेजीज को आप सीख कर अपने एजुकेशन को और ज़्यादा यहाँ पे परफेक्ट बना सकते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।